चाहिए। राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है, तो नन्ही सी बच्ची को देवी बताकर पूजा भी जाता है। यहां बीमारी के इलाज के लिए ढोंगी भोपाओं का इस्तेमाल भी होता है, तो डॉक्टर भूत उतारने के नाम पर मरीज महिला को पीटते भी नजर आते हैं। अंधविश्वास से भरी इन हकीकत के बाद हद उस वक्त हो जाती है जब तेजी से प्रदेश में खबरें आने लगती है कि रात के अंधेरे में कोई आता है, महिला की चोटी के बाल को काट शरीर पर त्रिशूल बना जाता है और तेजी से ये घटनाएं कई जिलों में फैल जाती हैं। महिलाओं के बीमार होने की खबरें आने लगती है, लेकिन किसी की भी बाल काटने के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं। इस बीच गांव में दहशत फैल जाती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को कोई लगता है कि फर्क पड़ता नहीं है। समाचार प्लस का सवाल है कि अगर यह अफवाह है तो फिर प्रशासन इसको दूर करे, और अगर यह हकीकत है तो दहशत फैलाने वालों को गिरफ्तार करे। ये रिपोर्ट देखिए। महिलाओं के कौन काट रहा है बाल? महीनों से जारी घटना उठे कई सवाल। रात के अंधेरे के बाद दिन में भी वारदात, अफवाह या साजिश? देश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आप देख ले। तस्वीरें हैं ब्यावर, मेड़ता सिटी, किशनगढ़ और नागौर की। यहाँ महिलाओं के बाल काटे गए हैं, शरीर पर त्रिशूल बनाया गया है और उसके बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल पहुंचाया गया और जब इलाज का असर नहीं हुआ तो झाड़ फूंक भी कराया गया। इस बीच कोई भी महिला कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन ये पांचों घटनाएं रात के अंधेरे की है, यानी रात को कोई आया बालों को काट कर चला गया। लेकिन इन पांच तस्वीरों के बाद आपको दो और तस्वीरें दिखाते हैं जो आज की है। पहली तस्वीर शाहपुरा की है, जहां पशु को पानी पिलाने के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। उसके चिल्लाने पर परिजन पहुंचे तो देखा कि महिला के सिर से बाल गायब है और शरीर पर त्रिशूल का निशान है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। इस बीच अंधविश्वास पर विश्वास की वजह से परिजन महिला को अस्पताल की जगह टोना टोटका कराने पहुंच गए। चोटी कट गई और काल जगह ऊपर त्रिशूल बन गया। इसकी वजह से हमने कोई देवता बताई थी कि हाथ मेहंदी का हाथ मारना और रोड़े का त्रिशूल मारना, इससे कोई थोड़ा बहुत ऐसे हो जाए। ऐसे बांदरी जी जो फिर मेरे कन गई, मैं कमरा में बैठी तो जना का जब मेरे को जी घबरा हो जाए जना मैं मार पितरा को थान से जी ने लेगो जना बीन लेगा जना त्रिशूल मंडेड़ो एक तो काल दागन ला दो और दोनों पिंडिया का ला दो फिर वो त्रिशूल मंडेड़ो ला दो जना मैं वीरा मलवा लेगा जत रे बेहोश हो। काटने की ये घटना घटित हुई है, पहले भी ये काफ़ी बार व्हाट्सएप पे अखबारों में न्यूज में आ रही थी कि बाल काट, लेकिन आज यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों ने कम से कम ये देखा है कि और कि गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, औरतें बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए भी कतरा रहे हैं। इन अफवाहों के बीच अब आपको राजधानी की तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर की चौमू नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के सोते हुए दिन में बाल काट दिए गए, लेकिन यहाँ भी महिला ने किसी को नहीं देखा। इस बीच पुलिस को बुलाया गया तो घर में एक कैंची मिली जिस पर बाल लगे हुए थे। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी घटनाओं के बीच कनेक्शन क्या है? क्या ये घटनाएं सिर्फ अंधविश्वास की डोर से बंधी है जिसमें साजिशकर्ता घर का ही कोई सदस्य है, या फिर कुछ अंधविश्वास से परे है जिसको लेकर पुलिस गंभीर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बीते एक महीने के अंदर 50 से ज्यादा इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है अगर यह अंधविश्वास है तो इसको दूर कौन करेगा, और अगर यह हकीकत है तो इससे पर्दा कौन उठाएगा? बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आलोक भारद्वाज जी, महिला कांग्रेस सचिव एडवोकेट ललिता मेहरवाल जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी और धर्मशास्त्री पंडित विजय शंकर पांडे जी। अनीता जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा और सवाल मेरा सीधा है, क्या ये मानसिक विकृति का नतीजा है या वाकई में मुमकिन है जो हो रहा है? इसके लिए मैं ये कहना
कहना चाहूंगी कि इसके अंदर सबसे पीछे जो काम कर रहा है वो फियर फैक्टर काम कर रहा है, अंधविश्वास काम कर रहा है। इंसान के अंदर डर होता है कि कोई मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा दे, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसीलिए तो इंसान घर बनाता है, बाड़ा बनाता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। और यही वो चीज काम कर रहा है कि जैसे ही किसी ने उसके बाल काट दिए, सब लोगों का सब लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आने वाली है, तुम्हारे घर पे विपत्ति आने वाली है या उस इंसान पे विपत्ति आने वाली है। यही सब सुन सुनकर सोच सोचकर जिस महिला के बाल काटे हुए ना होते हुए भी उसके अंदर घबराहट, बेचैनी, एक कन्वर्जन डिसऑर्डर की बीमारी। ठीक है अनीता जी, लेकिन सवाल इसलिए गंभीर होता है अगर एक पर्टिकुलर जोनरा या इलाके के अंदर ये हो रहा होता तो मान लेते किसी की बदमाशी है, शरारत है या साजिश है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर से होते हुए जयपुर के चौमू तक ये घटनाएं हो रही हैं और कोई दिखाई नहीं देता, कोई पकड़ में नहीं आता, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये सारी घटनाएं रात में हो रही होती है, जैसे कि गांव में औरतें बाहर सोती है, खाट पे सोती है, अपने बालों को साइड में रखकर, नीचे नहीं होते हैं बाल, कोई भी आकर काट जाता है और बाल काटने पे किसी को दर्द का एहसास नहीं होता है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि बाल कटे हुए। शुरू में किसी ने अपना मन अपनी कोई भी उसकी चीज होगी उसको पूरा करने के लिए ये बाल काटे होंगे, कोई भी उसकी गलत उसकी मन इच्छा होगी उसको पूरा करने के लिए। बाद में धीरे धीरे असामाजिक तत्व जब देखा कि उन्होंने कि बाड़मेर में वहां बाल काट रहे हैं, सब लोग दहशत में फैल रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी जगह पे खुद ही इस तरीके की चीजें फैलाने लग गई और खुद ही बाल काटने लगे। ठीक है अनीता जी, अनीता जी, लेकिन शाहपुरा की आज एक घटना सामने आई है जिसमें महिला जो है दिन के अंदर एक पशु को पानी पिलाने पहुंचती है, चक्कर खाकर चिल्लाती हुई पहुंचती है वापस, पता चलता है कि बाल कट गए, शरीर पर त्रिशूल का निशान है। ठीक है, बाल कट गए क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, त्रिशूल का निशान कैसे बना? अगर सिंपल सी मैं कहूं कि आपके खरोच आ जाती है रात को सोते वक्त या दिन में सोते हुए, इंसान उसको अवॉइड कर देता है, ध्यान नहीं देता है, कई बार उस खरोच में एक लोकल एनेस्थीजिया भी लगा दो तो इंसान का वो हिस्सा सुन हो जाता है, पता नहीं चलता है, और वहां पे आप आराम से एक त्रिशूल का निशान बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है वो महिला वहां पे सो रही हो या विश्राम कर रही हो, बैठी हो थोड़ी देर के लिए, कोई भी उसको अंजाम दे सकता है इस घटना को। ठीक है आलोक भारद्वाज जी, सर मेरे लिए दोनों ही समस्याएं हैं, अगर ये अफवाह है तो भी समस्या है, हकीकत है तो भी समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा घटनाएं आ चुकी हैं, एक का भी खुलासा नहीं। देखिए विजेंद्र जी, ये आपने कहा, ये सही आपने कहा कि आपके लिए दोनों ही चीजें, अब सबसे बड़ी बात है कि हम ये देखें कि अभी क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि इस समय पे चाहे व्हाट्सएप है या जिस तरह भी के लोग हमारे यहाँ क्या है कि सभी को इस समय पे एक रूप लेने लगता है। अभी ये भी हो सकता है ना, ये हमेशा जैसा कि अनीता जी ने बताया कि हर चीज के ड्रोन होते हैं, मैं भी उसी बात को आपसे कहूंगा कि आप अगर देखेंगे तो भाई बाल काट रहे हैं महिलाओं के क्यों कट रहे हैं, पुरुष के क्यों नहीं कट रहे, ये भी तो लोगों को सोचना चाहिए। तो हमेशा क्या है, सिर्फ बातों को फैलाने से चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब आपको सरकार के कदम जाता हूँ, आज जानना महिला आयोग की जो, आलोक जी मुझे सिर्फ इतना जानना है, बाल तो कट रहे हैं, अब चाहे वो खुद महिला काट रही हो, उसके घर वाले काट रहे हो या बाहर से आकर कोई काट रहे हो, त्रिशूल तो बन रहा है, चाहे वो खुद बना रहा हो चाहे कोई बाहर से आके बना रहा हो, सवाल में रहे खुलासा क्यों नहीं होता, दो चारों पर कार्रवाई कर दीजिए। खुद विजेंद्र जी आज ही इवन आप ये देखेंगे कि आज की मैं बता देता हूँ, आपके यही आना था सुमन शर्मा जी जो महिला आयोग की चेयरमैन है, वो किसी के व्यक्तिगत कारण से नहीं, तो वो आपको खुद उनसे इस पचवाता है, उन्होंने खुद आगे बढ़कर प्रसंज्ञान लेकर, मुझे ये पता है, और आज उन्होंने इसके लिए उन्होंने पूरे जिला कलेक्टर्स को लिख दिया है कि भाई आप इसकी पूरी करा के और पूरी तहकीकात करके बताइए और इस अफवाह को फैलने से रोके। आज ही का मैं आपको ताजा वाक्य बता रहा हूँ कि कदम के लिए कि आज डीजीपी को खुद सुमन शर्मा जी ने महिला आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा है कि और सबको निर्देश दिए हैं। सरकार के कदम आप देखेंगे तो हाल ही में आपको भी बताया कि एक अस्पताल में जो घटना हुई थी उस डॉक्टर के संग क्या सरकार ने निर्णय लिया वो भी आपको पता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि समाज की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, सरकार अपने कदम उठा रही है लेकिन सरकार भी समाज का हिस्सा है, आप और हम सभी उस समाज के हिस्सा है, तो जब कुछ इस तरह की अवांछनीय हरकतें हो रही है तो उसमें सबका फर्ज बनता है और आप ये निश्चिंत रहिए वापस में आपको रोका भी जाएगा, कुछ जो भी अगर इसमें पकड़ में आएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। विजय शंकर जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि जो कुछ ये हो रहा है ये मुमकिन है या सब कुछ नौटंकी है, ढकोसले है, पाखंड है? ये मेरा कहना यही है, ये एक अंधविश्वास फैलाया जाता है, साजिश के तहत ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपकी दोनों की भी सुना जी, आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी दो दिन पहले अखबार में आया था, एक जगह दो महिलाओं के बाल काटे गए, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, वहाँ के बड़े अधिकारियों ने उसकी जांच की
और अंत में महिलाओं का कहना यह था कि हमने खुद ने काटे। बिल्कुल पहली चीज जी, पहली चीज ये है कि ये सारी चीज क्या है, आपने कहा इतने बड़े प्रदेश में 50 जगह हो गई घटना, कुछ लोग हमारे ऐसे सामाजिक तत्व हैं केवल मीडिया में आने के लिए भी ऐसा काम कर देते कि एक बार हो गया अब अपन इसका रास्ता साफ करें करके अपना भी प्रचार करें। ये कुछ चीजें बिल्कुल ये टोटल अंधविश्वास है, ये कहीं से मेरी नजर में सार्थक नहीं है जी। अब इनकी साजिश का पर्दा उठाना, पार्टी ने जवाब दे दिया, हमने लेटर लिख दिया, ये कर दिया जी। इनके पास और कोई जवाब नहीं है सर, ऐसा नहीं है पांडे साहब, जवाब भी देंगे आपको, पर्दा भी उठेगा। आज तक आपने कुछ नहीं, ठीक है आलोक भारद्वाज जी, पांडे साहब आलोक भारद्वाज जी, आलोक भारद्वाज जी, जिन दो महिलाओं का जिक्र किया गया जिन्होंने कबूल किया कि उन्होंने खुद ही बाल काटे हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया? वो पेपर में यही आया आलोक भारद्वाज जी, पेपर में दो महिलाओं का जी, उन्होंने कबूल किया उस पर भी जांच गई, आप मैं उसका भी आंका उसका भी पूरा डिटेल लेकर मैं आपको अवगत भी करा दूंगा विजेंद्र जी, आपको और आपके संवाददाता को भी अवगत करा देंगे। अभी आप सबसे बड़ी बोलने लग जाते, ऐसा नहीं है पांडे साहब, बात मालूम की नहीं है, आपने बात कही कि सरकार ये नहीं कर रही है, सभ्यता नहीं समझते आप, केवल मतलब अपना चैनल के ऊपर आके पार्टीवाद करते हैं। ठीक है आलोक जी, कोई पार्टीवाद नहीं है, समाज का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा नहीं है। ठीक है आलोक, पार्टी की बात छेड़ी, आपने पार्टी की बात छेड़ी, आपने जोड़ा कि साहब पार्टी ये नहीं कर रही है, पार्टी की लाइन नहीं है, तुम्हारा प्रशासन कमजोर है। ठीक है ठीक है आलोक जी, आलोक जी वापस मैं आपके पास आऊंगा, पंडित जी मैं आपको भी विनम्रता के साथ रोक रहा हूँ। ललिता महरवाल जी, पहले मैं आपसे एक वकील के तौर पर पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से खुद दो महिलाओं ने माना कि उन्होंने खुद अपने बाल काटे, शाहपुरा की जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं उसके अलावा चौमू में भी आज एक घटना घटी है जिसमें घर पर ही एक सीजर यानी कि कैंची मिली है जिस पर कुछ बाल भी लगे हुए थे, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। मेरा सवाल यह है कि जो इस तरीके की अफवाहों को प्रोत्साहित करते हैं क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी जो है प्रशासन की कमजोरी है मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो आज ये घटनाएं चोमू तक या फिर शाहपुरा तक नहीं आती जी। और दिन में भी ये घटनाएं नहीं होती। अगर प्रशासन, अगर जोधपुर जब हुआ, बीकानेर हुआ, नागौर हुआ, यहाँ पे अगर इन कड़ी कार्रवाई करके इन घटनाओं को रोका जाता या इस तरह की जनजागृति अगर फैलाई जाती तो मैं सोचती हूँ कि वहीं पे ये घटनाएं दब जाती और ये अफवाहें नहीं फैलती। अफवाहें हैं तो ये रुक जाती वहीं पे, लेकिन ये प्रशासन सोया हुआ है, इसी वजह से आज एक महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से आज ये घटनाएं, पूरा प्रदेश खौफ में जी रहा है और दहशत में जी रहा है। ललिता जी यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कार्रवाई हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है? सर इसमें राजस्थान में एक एक एक्ट लागू हुआ है, अपने एक्ट डायन निवारण अधिनियम जो है उसके अंदर सेक्शन 5 और 6 के अंदर टोना टोटका, जादू, अंधविश्वास, ये सब चीजों को अपराध घोषित किया गया, उसमें 3 से लेके 5 साल तक की सजा दी गई है जी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज तक कितने मुकदमे यहाँ प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ दायर किए हैं, किसको क्या कार्रवाई की है, क्या तहकीकात की है ये बताए। आज एक महीना एक बहुत लंबा टाइम होता है, इतने बड़े प्रदेश में इतनी जनता दहशत में है, खौफ में जी रही है, पूरी रात रात भर पहरा दे रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार, लेकिन इस बीच तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर खुद ही कोई अपने बाल काट लेगा तो अब उसका भला कोई क्या करेगा? पंडित विजय शंकर जी, सर जिस तरीके से डायन निवारण कानून यहाँ पर लागू किया गया उसके बाद काफी ज्यादा भोपे पाखंडी जो इस तरीके के लोग थे जिनका धंधा चलता था उनकी दुकानें बंद हो गई थी, क्या आपको लगता है कि उनकी ये सोची समझी साजिश है, 2-4 जगहों पर उन्होंने करा दिया उसके बाद फिर ये रीत चल पड़ी? क्योंकि कोई भी महिला, सर मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी महिला अस्पताल नहीं जा रही है, सब भोपों के पास जा रही है, जादू टोना टोटका हो रहा है, उससे इलाज हो रहा है। ये श्रीमान ऐसा है जो आज हमारे को बड़े करते हैं वही छोटे करने लग जाते हैं। सरकारें जब झूठी हवाएं फैलाती है, गलत प्रचार करती है, उसी तरीके से जनता ने भी मान लिया कि हमें भी करना चाहिए। मैंने आपसे पहला प्रश्न किया, 50 आपने घटनाएं गिनाई है जी, 50 घटनाओं होने का कोई तर्क सामने नहीं आ रहा। जब मैं आपको बता रहा हूं, बाकायदा मीडिया के पेपर में मैंने पढ़ा, जगह का भी नाम है, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ये आपके चैनल पे आते ही ध्यान है, वहां 2 महिलाओं के बाल काटने पर थाने में रिपोर्ट होकर के, और जब बड़े अधिकारी SP रेंज के उनको पूछते हैं
तो वो अपने आप ये कबूल करती हैं कि हमने काटे हैं। एक बात से मैं ये कह रहा हूँ जी, है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो फैलाया जाता है ये टोटल अंधविश्वास है, किसी कीमत पे कुछ भी नहीं है इसको। मैं हम लोग तो अंधविश्वास मानते हैं, क्योंकि जिनका धंधा फेल होता है वो लोग ऐसे प्रचार करते हैं तरीके निकाल के जी। सही आदमी तो केवल आपको भगवान की भक्ति करेगा, काम करेगा, जो करेगा ईश्वर करेगा जी। सही आदमी को कोई नहीं है। और ये जो कह रहे हैं सरकारें, सरकारों की तो सारा देश देख रहा है, आप हम भी देख रहे हैं। अमरनाथ में हादसा क्यों होता है हर बार जाते हैं? होगा, क्योंकि जब तक हम कमजोर हैं, हमारे ये अन्नदा, ये हमारे संरक्षक कमजोर हैं, ये चीजें होगी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि राजस्थान का ही रुख कर लेते हैं, राजस्थान में रुक जाते हैं। अनीता गौतम जी, जो महिलाएं खुद अपने बाल काट रही हैं, खुद ये अफवाहों में शामिल हो रही हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूं, क्या वो मानसिक रूप से बीमार है? जी बिल्कुल, वो मानसिक रूप से देखिए इसमें एक बीमारी होती है, डिप्रेशन के अंदर जब बहुत ज्यादा चला जाता है, एक कन्वर्जन डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी होती है, जिसके अंदर व्यक्ति को वो जानकर नहीं करता है पर उसको अटेंशन चाहिए होती है, डेट इज अटेंशन सीकिंग बीमारी होती है। वो चाहती है कि घर वाले उसका ध्यान दे, वो बहुत ज्यादा अभी दुखी है, या अपने मन की भावना या मन की व्यथा किसी को कह नहीं पा रही है, तो वो चाहती है कि लोग मेरा ध्यान दे, एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो जब वो देख रही है कि प्रदेश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि लोग उनके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, उसको आराम कराया जा रहा है, उसकी पूजा पाठ हो रही है और काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तो इंसान की मनोस्थिति ऐसी हो जाती है, वो भी चाहती है वो सब पाना कि मेरा जब सब ध्यान रखे, मेरा ख्याल रखे, मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले। तो हो सकता है ये सब चलते हुए उसने जानबूझ के अपने बाल काट लिए हो और घबराहट वगैरह का करा हो कि, और सबको पता है कि दहशत का माहौल तो चल ही रहा है, इस माहौल में उसने अपने बाल काट कर और वही स्थिति उसने। क्या वाकई में आपको ये भी लगता है अनीता जी कि हो सकता है जो ढोंगी पाखंडी जो बाबा है जिनकी दुकानें फिलहाल बंद पड़ी हैं, उनकी साजिश के तहत परिवार जो अनपढ़ कहे या इन चीजों में विश्वास रखते हैं शिकार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो अंधविश्वास फैलाया है किसी ने तो शुरू किया ही होगा, और हो सकता है उसकी इच्छा यही होगी कि हमारी दुकानें बंद हो गई है तो ये वापस शुरू हो जाए, क्योंकि ये अफवाह फैलाना और ये बाल काटना और इससे किसके ऊपर विपत्ति आती, आप तो ये सोचो ना, बाल तो रोज ही बढ़ते हैं, बाल हर कोई नाई के पास जाके कटवाता है, बाल काटने से किसका बुरा हो सकता है, ये तो कोरा अंधविश्वास है। तो ये जब डर फैलाया है उन लोगों ने, तो डर के बाद लोग किसके पास गए? जब डर फैलाया, डर से मन स्त्री की स्थिति ऐसी हो गई कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, जब उसने बार बार ये सोचा मैं मरने वाली हूँ, तो उसके अंदर घबराहट, पैल्पिटेशन और चक्कर आना, बेहोश होना, ये सब लक्षण दिखाई दे, तो लोगों को लगा कि वाकई इसके अंदर कोई बीमारी आ गई या विपदा आ गई, और वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय कहाँ पहुंचे? उन्हीं तांत्रिकों के पास, जिनकी मंशा ही यही थी कि हम डर फैला के अपना कारोबार वापस चलाए। ठीक है आलोक भारद्वाज जी, आलोक भारद्वाज जी, मेरे दो सवाल सर बहुत गंभीर है। पहला सवाल तो ये कि जो खुद इस साजिश का शिकार है महिलाएं, उनके खिलाफ क्यों ना कठोर कार्रवाई हो, और दूसरा है ये जो भोपा बाबा पाखंडी जो बैठे हैं, जो जादू टोना टोटका करके इसका इलाज करके कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, या अंधविश्वास को ऐसे ही बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब दूंगा। मैंने यहाँ और जो बैठे हैं सभी सज्जन, पांडे साहब को भी सुना, डॉक्टर साहब को भी सुना, मैडम को और वकील साहब को, मेहरपाल जी को भी सुना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपने कहा कि कार्रवाई, अभी दो महिलाओं की बात बार बार पांडे जी ने भी उठाई कि उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट नहीं होती है। अब मैं आपको मैं ये इसको आप ऐसे कहें, हम इसको सबको किसी से कार्रवाई नहीं है। अब ये भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये सब जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, उन महिलाओं ने बागटे और जब इस तरह की फैला रहे, सबसे बड़ी बात है इन्होंने इतनी देर से बात करी कांग्रेस की मौजूद वक्ता ने कि साहब जन जागृति और सरकार, जन जागृति और सरकार, इससे भी नहीं, यहाँ पे भी इन्होंने सरकार, जन जागृति सबका फर्ज है, कहीं ना कहीं हम इनको छोड़ के इनको भी अगर जागृति की बात करती है, एक बार ये कहती कि मैं सबसे अपील करती हूँ कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, ऐसा कोई नहीं बोला। अब मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, दो महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं 40 50 में से 40 मामलों में आप कार्रवाई कर दीजिए, अगले दिन से मामले रुक जाएंगे। देखिए दो, मैं आपकी बात पर उसी कर रहा हूँ विजेंद्र जी, कि दो महिलाओं ने तभी क्या होता है जब इस तरह की अफवाह फैल रही है तो परिवार वाले इसलिए भी आगे तक अगर ऐसा चाहे काटा उन्होंने कहे तो आपने उनको समझाइश भी, समझाइश के अलग तरीके होते हैं, कार्रवाई हमेशा समझाइश की बात नहीं होती है, क्योंकि समाज में आप सर, प्रदेश में तेजी से अंधविश्वास फैल रहा है तो कहां तक उचित है? तेजी से अंधविश्वास फैल रहा है, 6 से 7 जिले उसकी चपेट में है, गांव गांव के अंदर दहशत है,
पाखंडी बाबाओं की दुकान चल रही है, आप देखिए पाखंडी जो भोपे हैं उनकी दुकानें सज रही है। संज्ञान लेकर जब महिला इस तरह का कह है, आपकी बात से हम भी मानते हैं कि निंदा सब ऐसा है तो जरूरी है, समाज के सब हिस्से हैं। सर निंदा नहीं, कार्रवाई बताइए कि हम इसको, निंदा से काम नहीं चलेगा सर, कार्रवाई बताइए। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर तो बाबा बैठे नहीं, जो भी जादू टोना टोटका कोई पद्धति नहीं, पर्दा खुला है तो इसका भी पर्दा खुल जाएगा। मैं तो सबको आपके माध्यम से सबसे यही अपील करता हूँ कि अफवाह पे ध्यान नहीं दें, इसका भी पर्दा खुलेगा और जो भी ललिता मेहरवाल जी कार्रवाई होगी आश्वस्त करता हूँ। ललिता मेहरवाल जी, क्या आपको लगता नहीं कि दोनों जो सवाल हैं इनके जवाब कार्रवाई के तौर पर मिलने चाहिए? ये जो ढोंगी बाबा पाखंडी है, जादू टोना टोटका करके जो इलाज का बहाना करके लाखों कमाते हैं, गरीबों से पैसे अटते हैं, उनको सलाखों में डाला जाए, और जो महिलाएं खुद इस तरीके से अफवाह फैलाने का शिकार हो रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई अभी तक हो चुकी होती तो शायद पूरे राज्य में आज ये दहशत का माहौल नहीं होता जी। अगर कड़ी कार्रवाई होती आज, मैंने अभी बालोतरा में बात की है तो वहाँ पे मुझे पता चला है कि जलेबी बहुत बिक्री है, वो इसलिए कि पर मेंबर घर का 2.5 किलो जलेबी वहाँ पहुँचाई जा रही है। ये कितना बड़ा अंधविश्वास है, क्यों नहीं तांत्रिकों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इतना दहशत फैलाया हुआ है? क्यों नहीं जिन्होंने बाल काटे उनके पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? आपने बात की तो आप जागरूकता की भी तो बात कीजिए। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और कह देता हूँ विजयेंद्र जी, अब मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ कि जब तो मैं छोटा था आपके शासन में कांग्रेस के, मैं पूरे हिंदुस्तान में छापे लगवा दिए गए थे, मेहंदी के घर घर पे छापे लगाओ माता दे, बहुत पुरानी बात होगी और आप सबको मालूम है इस चीज का भी, तो हर चीज का है ना। अगर आप पार्टी वाली बात कर रहे हो, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जागरूकता सबसे बड़ी बात है, जागरूकता नहीं कर रहे हैं, जागरूकता पार्टी से ऊपर उठकर होनी चाहिए। जागरूकता में प्रशासन या सरकार की बात नहीं, आप मुझे अगर बात करते हो बताओ ना उस जमाने में आप अंधविश्वास में भी किसने फैलाया था? अगर मैं भी था आपके शासन था उस समय आलोक भारद्वाज जी, सर आप भी बच्चे से बड़े हो गए ना, देश भी आगे बढ़ा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जागरूकता सबका फर्ज है, मेरा आपका या बैठे हुए हर व्यक्ति का फर्ज है कि हमको समाज को जागरूक करके ही कहना है कि ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास के घेरे में पूरा प्रदेश नहीं सर, कुछ लोग हैं उन पर कार्रवाई कर दीजिए, बाकी अपने आप सीधे हो जाएंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल कार्रवाई भी हो जाएगी विजेंद्र जी, आपने आपको मैं तो धन्यवाद हूँ, आपने इस मुद्दे को उठाया है तो आपको आश्वस्त कर रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि आपके आप ऐसा नहीं है कि आपने आपने उल्टा आज उठा के समाज को भी आपने दिखा दिया कि जागरूकता जरूरी है, लोग क्या बोल रहे सुन रहे, तो आप तो अच्छी बात है, मैं तो आपको भी कहूंगा कि कम से कम इस तरह से मुद्दों को उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अनीता गौतम जी, अनीता गौतम जी मैम, आपके आपकी नजर में क्विक एक्शन क्या होना चाहिए? जागरूकता करने बैठे तो सालों निकल जाएंगे, एक्शन किया तो 2 दिन के अंदर बदलाव दिखाई देगा, आपको क्या लगता है जागरूकता पहले की जाए एक्शन हो? सबसे पहले तो जो जिस महिला के बाल काटे गए उसको तांत्रिकों के पास ले जाना बंद करो जी। आपके गांव में सरपंच होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन लोगों की बात गांव वाले मानते हैं। अगर वही लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलेंगे कि नहीं इसको डॉक्टर की जरूरत है, अगर इसको घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही है, तो ये लक्षण तो बीमारी के है, आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ ना कि तांत्रिकों के पास। तो सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि वो लोग खुद आगे आके इनको डॉक्टर्स के पास लेके जाए, और जहां पे भी कड़ी खबर आ रही है कि तांत्रिक इन लोगों का इलाज कर रहे हैं, झाड़फूंक कर रहे हैं, अगर वहां पे पुलिस जल्दी पहुंचकर उन लोगों को रोके, उनको पकड़े, तो ये दो क्विक एक्शन अगर अपन फटाफट लेंगे तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। जागरूकता प्लस प्रशासन दोनों साथ साथ चलेंगे तो काम चलेगा। विजय शंकर पांडे जी, सर एक लाइन में अगर बता पाए तो बताइए समाधान क्या है जो तुरंत हो। हमें जो ये कहा जा रहा है वो बात ठीक है, दोनों तीनों तरफ से सही है, आपने जो कहा हम किसी के विरोधी नहीं है जी, सिर्फ राजस्थान प्रदेश की जनता से यही अपील करेंगे अंधविश्वास से बचे, और ऐसे कई हादसे और कई चीजें सामने आती है उसके ऊपर सब मिल करके और जांच करें, खुद भी करें, प्रशासन भी करे जी, मजबूर करें सबको, जिससे ऐसे अंधविश्वास दोबारा, एक को सजा हो गई तो दोबारा होगा ही नहीं जी, ये रोकने के लिए प्रयास यही है। और जनता निश्चिंत रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता जो ये कह रहे हैं बाल काटने की 50 घटनाएं 40 घटनाएं जो भी आप बता रहे हैं, हम ये कहेंगे कार्रवाई के साथ साथ जनता से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, पहले खुद सतर्क रहे, दूसरी बात इस पे अंधविश्वास सर, दो चारों पर कार्रवाई हो जाएगी तो अपने आप सब सतर्क हो जाएंगे। आलोक जी, एक पे हो जाए सर, दो चार तो बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर अभियान चलाए जाते हैं सर, जो सड़कों पर बैठे होते हैं, जो जादू टोना टोटका कर इलाज कर रहे होते हैं, सरकार अभियान चलाती है, एक अभियान और चलाइए सर, कीजिए सबको अंदर।
विजेंद्र जी मैं आपको ये आश्वस्त हूँ, आप सुबह मेरी खुद व्यक्तिगत सुमन जी से और सभी जिम्मेदार लोगों से भी इस बारे में भी बात हुई है, और ऐसा नहीं है कि चैनल के लिए बात हुई थी, क्योंकि और प्रशासन को भी हमें कहा जा रहा, सरकार की तरफ से भी प्रशासन को निर्देश भी दिलवा दिए जाएंगे कि आप इस पर जो भी है उचित कार्रवाई, और आप भी देखेंगे कि आप रुकिए ये कार्रवाई भी सामने आएगी, अब जो है जबरदस्ती किसी को नहीं लपेटा जाएगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोषी को भी पकड़ा जाएगा, प्रकरण का शीघ्र ही खुलासा भी होगा, आप देखेंगे कि मैं आपको ठीक है आलोक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करेंगे कि जल्द खुलासा भी हो और जो इसके अंदर दोषी हैं, जो पूरे प्रदेश को भ्रम के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो ताकि इस तरीके के अंधविश्वास से सबको बचाया जा सके। ललिता जी आपका भी शुक्रिया, विजय शंकर जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, और जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है उससे सिर्फ तस्वीर साफ है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जागरूकता भी बढ़ाई जाए ताकि अंधविश्वास आगे ना बढ़े। बी बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।